हेलो गाइस, पैरागॉन डिजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे वीडियो के एंडिंग में एक सरप्राइज अपडेट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और देन एक छोटा सा नोट, कोरोना वायरस के चलते में अगर घर पे बैठकर बोर हो रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कोई भी मार्वल डीसी का अपडेट नहीं पता चल रहा है, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। आप जाके मेरे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, जिससे कि आपको सारे अपडेट पता चल जाएं टाइम टू टाइम, भले दिन हो या रात। और देन उसके बाद कोई भी अगर अपडेट अच्छा होगा तो जो मैं वीडियो 100% बना दूंगा, जैसे कि आज का वीडियो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक जरूर दबाना, ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आ जाए। अब बात करते हैं अपडेट के बारे में। मैंने परसों एक अपडेट दिया था, यानी कि 1 अप्रैल को, जिसमें मैंने बताया था कि डिज्नी प्लस लॉन्च होने वाला है भारत में 3 तारीख को, यानी कि 3 अप्रैल को डिज्नी प्लस लॉन्च हो जाएगा। और ये बात कंफर्म भी हो गई। उसके बाद डिज्नी इंडिया ने कंफर्म कर दिया, हॉटस्टार ने कंफर्म कर दिया। पर मार्वल फैंस मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं और फेसबुक पे कमेंट करते हैं, और उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पुटअप करे, वो क्वेश्चन एक्चुअल में बिल्कुल जेन्युइन थे। जी हाँ, मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे गए और उन्हीं का आंसर देने के लिए मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आती है इस टाइप की वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 3 अप्रैल को जब डिज्नी प्लस लॉन्च आ जाएगा तो उनके मन में ये ऑप्शन आएगा और वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो शायद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जो नए आए इस चैनल पे, आपके भी मन में ये क्वेश्चन हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो क्लियर डाउट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि वीआईपी और प्रीमियम में फर्क क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वीआईपी और प्रीमियम में फर्क क्या है। देखो, मैंने अभी यहाँ पे हॉटस्टार खोल लिया, चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट पे खोलो आप या किसी पे भी ओपन करो। हॉटस्टार में सबसे पहले जो वीआईपी का सब्सक्रिप्शन होता है वो होता है सिर्फ हिंदी कंटेंट के लिए। जी हाँ, अगर आप हॉटस्टार पे वीआईपी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ हिंदी कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसमें बॉलीवुड मूवी होंगी और जो हॉलीवुड मूवी या कोरियन मूवी या एनिमेशन मूवी जो डब होंगी वो भी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, सिर्फ वीआईपी में। और उसकी पहचान होती है, आप देखिए, अगर जैसे मैं माउस ले जाऊं तो उस पर स्टार बटन दब रहा होगा, यानी कि ये हिंदी कंटेंट है। और एक होता है प्रीमियम। अब प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम में आपको अदर लैंग्वेज के भी कंटेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि एग्जाम्पल, अगर हॉटस्टार पे मैं जाकर हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, तमिल, मराठी, इंग्लिश, कन्नड़, ठीक है, ये भी आपको प्रीमियम में सुविधा मिल जाती है। तो मैं तो इंडिया का रहने वाला हूँ, मेरे को हिंदी आती है अच्छी तरीके से और पिक्चर भी हिंदी में ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो हाँ यार, मेरे को तो वीआईपी ही लेना है, मेरे को अदर लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है। अगर बाई चांस कोई कंटेंट इंग्लिश में रिलीज होता है न्यू रिसेंट में, तो भी देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि मूवी समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक्चुअल में जो असली मजा है वो वीआईपी हिंदी में ही है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा लेना चाहिए, तो गाइस, वीआईपी मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वीआईपी का चार्जेस भी कम है। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं इसी में टॉपिक में। देखो, पहले जो पेमेंट था वीआईपी का वो था 365 रुपये का, ठीक है, और जो प्रीमियम का था वो था 1000 रुपये का, यानी कि 999 का। बट जब भारत में 3 अप्रैल को डिज्नी प्लस लॉन्च हो जाएगा तो ये पेमेंट को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, इसमें बढ़ाया गया जो पेमेंट है वो मैंने अपने चैनल पे भी डाला था, आपको शायद पता भी होगा कि डिज्नी प्लस में जो पहले 365 रुपये का था उसमें मात्र 35 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि डिज्नी प्लस को इंक्लूडिंग करने के लिए, तो वो अब वो पेमेंट हो चुका है करीब 400 रुपये का। जी हाँ, ठीक है, और जो पहले 1000 रुपये का था, यानी कि प्रीमियम 999 का, वो 1500 का कर दिया है, यानी कि डिज्नी प्लस इंक्लूडिंग। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाइस प्लीज़ मेरे कम्युनिटी टैब को फॉलो करा करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट पता चल जाए। तो मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी कॉस्ट जो उन्होंने बताई 399 की, और पहले कितनी थी 365 रुपये की, ठीक है, और अब उन्होंने 399 कर दी, यानी कि मात्र आपको 35 रुपये और देने पड़ेंगे अगर आपने पहले से ही सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अगर आपने 365 रुपये का पहले वीआईपी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको 35 रुपये और देने पड़ेंगे, अगर आपने प्रीमियम का ले रखा है 1000 रुपये का तो आपको 500 रुपये और देने पड़ेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब पॉसिबल ऐसे होगा, अब सोचो मैं हॉटस्टार पर स्टार वॉर्स यूनिवर्स देख रहा हूँ इस टाइम, जिसमें कि सोलो, ठीक है, रिटर्न ऑफ जेडाई, राइज ऑफ स्काईवॉल्कर, ठीक है, फिर फोर्स अवेकस, अब बीच में आ गई द न्यू होप, ये इंग्लिश में दे रखी है और बाकी सब मूवी हिंदी में दे रखी है, तो मुझको तो दिक्कत होगी, अब मैं इसे कैसे देखूं? जब मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, तो इस पर आ गया अपग्रेड का प्लान। जी हाँ, वीआईपी में मैं ऑलरेडी पहले 365 रुपये दे चुका हूँ, अगर मुझे उसे प्रीमियम में कन्वर्ट करना है
तो गाइस देखिए आप नोट करना कि मात्र उन्होंने 365 रुपये माइनस करके मात्र वो 639 रुपये मांग रहे हैं मुझसे, यानी कि ऑलरेडी हॉट स्टार ने ये सुविधा दे रखी है। अगर मैंने 365 रुपये का ले रखा है और मेरे को अगर इसमें डिज्नी प्लस इंक्लूडिंग चाहिए अपग्रेड करना है तो मात्र वो इसी तरीके से माइनस प्लस करेगा और आपको 35 रुपये पेड करने पड़ेंगे। तो गाइस ये बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप ऐसा डरिएगा मत, आप इन्हें VIP लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी VIP है तो आपको मात्र 35 रुपये देने पड़ेंगे डिज्नी प्लस के, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा 3 तारीख को कल के दिन भारत में। और देन उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि कंटेंट क्या उपलब्ध होगा डिज्नी हॉट स्टार पर। अब देखो डिज्नी आज के टाइम सबसे बड़ी कंपनी है, उसके अंदर फॉक्स भी आती है, फिर अवतार की कंपनी आती है, ठीक है, स्टार वॉर्स की कंपनी आती है, और डिज्नी ने इतनी सारी मूवीज़ बनाई हैं और डिज्नी के फ्यूचर प्लान, और फिर मार्वल भी उसमें इंक्लूडिंग है, मार्वल की TV सीरीज़ है, हॉट स्टार की सारी TV सीरीज़ होंगी, उसमें स्टार वॉर्स की सारी TV सीरीज़ होंगी, और भी काफ़ी सारा कंटेंट होगा, तो वो सब हमें डिज्नी प्लस में देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक कुछ भी ऐसा प्लान नहीं सोचा है तो डिज्नी प्लस कल भारत में लॉन्च होने दो और आप आराम से देखना डिज्नी प्लस 400 रुपये में और हॉट स्टार, और ये सारा कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप 1500 रुपये का ले लोगे तो मेरे हिसाब से वो वेस्टेड है, क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश में क्या करोगे देख के, क्योंकि सारी TV सीरीज हिंदी में लॉन्च होनी है, तो पहले इंग्लिश में देख के फिर बाद में हिंदी में देखोगे तो आपका मनी वेस्ट है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी हैं मेरे हिसाब से उनके लिए 400 रुपये बेस्ट है, आप VIP लो डिज्नी प्लस का, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो पेमेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिर्फ आपको 35 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई ले रखा है, ठीक है, अगर नहीं लिया तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सरप्राइज अपडेट के बारे में। तो जॉन वीक का 3rd पार्ट ऑफिशियली हिंदी में डब हो रहा है और ये लॉन्च होगा वोडाफोन प्ले पर, आइडिया पर, ठीक है, और एयरटेल एक्सट्रीम पर, ठीक है गाइस, ये कल लॉन्च होगा 3 अप्रैल को। जी हाँ, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है प्रीमियम ऑन जॉन वीक 3 अप्रैल को, ठीक है, आपको इन 3 प्लेटफॉर्म पे जॉन वीक देखने को मिल जाएगी। तो गाइस बहुत बड़ी खुशी की बात है। और देन उसी के साथ एक और अपडेट है आपका सरप्राइज का कि ट्रेन टू वोशन का सेकंड पार्ट का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली, जाके देखो गाइस, मुझे तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं तो देखते ही हैरान हो गया और मैं एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी कब रिलीज हो, क्योंकि अभी तक डेट रिवील नहीं करी है इन लोगों ने। तो गाइस जाके देखो ट्रेन टू वोशन का ट्रेलर, एक तो नेट इतना स्लो चलता है, बस पूछो मत। तो गाइस देखिए जी रहा ट्रेन टू वोशन का ट्रेलर, जीरो मीडिया पे आपको जाके देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है यार, सही बता रहा हूँ, मज़े आ गए। और गाइस कोई भी क्वेश्चन हो यार गाइस बेचक पूछो मुझे कमेंट सेक्शन में, और इस टाइप की वीडियो पसंद आती तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जरूर बताऊंगा। आप देख सकते हैं ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, कॉपीराइट आ जाएगा गाइस तो अभी स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो जाके पूछो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो भी लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहा हूँ।